आपको सेकंड शिफ्ट में और वो भी आपको दूसरे दिन की पहली शिफ्ट में देखने को मिला है दोस्तों। इसके अंदर एफिशिएंसी और टाइपिंग बिल्कुल जो कल और की दोनों शिफ्ट में आई थी वो बड़ी हाई हुई है। और आपको जो अभी स्टेशन की बात करते हैं तो स्टेशन के लिए आपको एक स्टूडेंट में आपको बता रहा हूँ जो हर चीज़ आपको एक एक करके बताएगा किस किस टाइप्स के इसमें वर्ड्स आए हैं। ऑल ओवर डिक्टेशन दोस्तों बहुत ईजी है, जिसकी जो 75-80 की स्पीड है उसके तो 5 मिनट के तो कोई वर्ड छूटेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बड़ा कोई आया नहीं तो दोस्तों जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं कि डिक्टेशन और स्पीड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट तीनों को मिला के देखा जाए तो सारा बिल्कुल एक तरह से नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। आपको घबराना नहीं है, सेकेंड सबसे ज़्यादा के लिए बहुत ही है और आराम से टाइपिंग करना है। और स्टेनों के अंदर ज़्यादा लीगल वर्ड कुछ ऐसा नहीं आया है, लीगल के पीछे घूम रहे हैं ऐसा नहीं है। फिक्स वर्ड से सर्वनाम वगैरह यही ऐड करके आते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अभी एक और स्टूडेंट से बात करवाता हूँ तो आपको बता देंगे, देखिए इधर थोड़ा सा ठीक होगा। नहीं तो स्टेनों के अंदर क्या क्या आया था, किस किस टाइप्स के शब्द आए थे? हाँ लीगल ज़्यादा थे या कम थे? ज़्यादा नहीं थे। और क्या क्या आया था शब्द बताइए दो चार। और बताओ मतलब एफिशिएंसी कैसी रही? हाँ टाइपिंग हार्ड नहीं थी। और टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं तो वो कैसा था? हाँ टाइपिंग टेस्ट का अल्ट की वगैरह आई थी, कोई अल्ट की से रिलेटेड शब्द आया था? अल्ट की से रिलेटेड शब्द आया था, एक दो शब्द आए थे जैसे चंद्रबिंदु ये आया था। और डिक्टेशन के अंदर और क्या क्या था, वर्ड्स दो चार वर्ड सुनाओ। किस मैटर कैसा था, कोई कहानी नुमा था या कैसा था? कैसी कहानी थी थोड़ा सा सुनाओ। हाँ मतलब नाम वगैरह आए थे थोड़ा, नाम क्या क्या नाम आए थे? और कहानी नुमा थी पूरी डिक्टेशन, बहुत इजी थे मतलब ऑल ओवर बहुत इजी था मैटर। तो कैसा रहा पूरा, मतलब कितने में से कितने नंबर आ जाएंगे ऑल ओवर, मतलब पूरा कैसा था, पूरा पेपर कैसा हुआ? और कितने वर्ड्स राइट हो जाएंगे 420 में से, 420 में से कितने वर्ड्स राइट हो जाएंगे? 400 बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और इसके अंदर और मतलब वर्ड्स अशुद्धियाँ बिल्कुल सही करी थी आराम से, शुद्धि लिखे थे। हाँ मतलब जिसकी ऑल ओवर स्टेन अच्छी वो ही पास कर सकता है। हाँ वो पास मतलब कौन होगा, वो ही होगा या फिर और भी हो सकता है जिसकी थोड़ा बहुत है? मैटर इजी था पूरा ऑल ओवर, और बाकी का ऑल ओवर सारा ही था अच्छा ही था, ठीक है। तो दोस्तों और मैं आपको अभी देने वाला हूँ, इधर देखिए इधर पकड़ लें दोस्तों। जैसा कि बता रहे हैं आप लोगों को तो सारी चीज़ अच्छी थी, जो कल का पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर जो चीज़ें आई थी कोई चीज़ आज देखने को मिली है। लीगल वर्ड ऐसा ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही वर्ड्स थे जो नॉर्मल कॉमन वर्ड्स होते हैं दोस्तों वो तो जिसका ऑल ओवर मैं आपको बता देता हूँ, जिसका इस ट्रेनों ठीक है 80 के लगभग स्पीड लिख लेता आराम से, ठीक है वो आराम से कर देगा। टाइपिंग भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत आराम से कर देगा, ज़्यादा नहीं है। आपको एक चीज़ को देखिए ध्यान देना चाहिए कि दोस्तों जैसा कि उसके अंदर नीचे लिखा आता है स्टार्ट एग्ज़ाम स्टार्ट, उस पर जब भी क्लिक कर देते हैं तो आपका एग्ज़ाम 5 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है। तो आपको टाइपिंग के अंदर और एफिशिएंसी के अंदर जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम मिलता है वो नहीं मिल पाता, जबकि एफिशिएंसी में 5 मिनट का पेपर पढ़ लेते हैं वो पेपर नहीं पढ़ पाते।
जय हिंद जय भारत, थैंक यू।